खुश होना उस थोड़ी और पे। अरे रे, ये घर तो अभी तक घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, बिल्कुल हमारी चुटिया की तरह घूम ही जा रहा है, घर तो रुक ही नहीं रहा। नीलम देवी, घर नहीं तुम्हारे सर घूम रहा है। कल गोपाल ने वो गोली दी थी ना, उसके वजह से। पता नहीं कल क्या खिला दिया कंबखतों ने। भूख ऐसे लग रही है जैसे तू चूहे कूदे जा रहे हो, रुकी ना रहे। सूरज बाबू ने, सूरज जानो कुछ खिला दो ना प्लीज, बहुत भूख लगी है। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं नीलम, कल ठंडाई तुम्ही ने बनाई थी ना, पूरे घर को भांग धतूरा पिला दिया। ऐसा है, भांग हमारी ठंडाई में नहीं आपकी गुजिया में मिली हुई थी, समझी? जिसमें भी था ये समझे कि सब लोग बाल बाल बच गए। पूरा घर कल नशे में पागल हो रहा था, कोई हंस रहा था तो हंसे ही जा रहा था, कोई रो रहा था तो रोए जा रहा था। अगर ऐसे में कोई कांड हो जाता तो? हो जाता नहीं सूरज, कांड हो गया है। क्या हुआ पापा? किसी ने हमारे सारे गहने चुरा लिए। सारे गहने एक संदूक में रख के सो गए थे, सारे गहने से हिफाजत कर दी। बॉबी और मोहिनी कहाँ हैं? वो दोनों तो अपने रूम में सो रहे हैं। अरे लाखों के गहने ऐसे कैसे चोरी हो गए? वो हमारे पुश्तैनी जेवर हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही ने चोरी की है। अरे रे रे, तुम हमारी ननद नहीं हो जो तुम्हारे जेवर चुरा के खा जाएंगे हम। जब देखो हमको ही सब बोलते रहते हैं, हम क्या शक्ल से चोर लगते हैं? अरे आप दोनों बीच में झगड़ा करना बंद करेंगे। नीलम तुम प्लीज शांत हो जाओ। अरे कोई है, हमें वॉशरूम जाना है। शुभ सकाल। ये सब भूतों के मैजिक का कमाल है। ससुर आई है क्या? इससे हमारे रूम में सो, मजा चुकाते हम तुम्हें। कोई है? मिष्टी पता है इसकी वजह से ना कल हमें बाहर सोना पड़ा। इसे छोड़ दें, बोलो। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं ऐसे। अंकल को सारा सच बता देगी, और फिर बबू तो नहीं थोबी, मुझे तो नहीं कोई भी को ना हुकुम चंद अंकल पनिशमेंट देंगे। पर ये सब करना इतना आसान नहीं होगा पियू। माने? अब क्योंकि हम भी तुम्हारी टीम का एक हिस्सा है, इसलिए हम तुम्हें एक सुझाव दे रहे हैं। माने अगर तुम्हें बॉबी का भांडा फोड़ना है तो अगले 10 मिनट के अंदर अंदर चुपचाप बारबी को बॉबी के कमरे के बाहर ले जाना होगा। और कैसे गोपाल, बारबी ने मेरी आवाज ही नहीं सुन पाती और मम्मा गहरी नींद में सो रही है। अब ये तो तुम्हारी चिंता है पियू, पर अगले 10 मिनट के अंदर अंदर बारबी को बॉबी के कमरे के बाहर ले जाना तुम्हारा काम है। 10 मिनट में बारबी दीदी कैसे क्या करें हम? इस घर को ना जाने किसकी नजर लग गई, कब
कभी हमारी फूल सी बच्ची बारबी को कोई किडनैप कर लेता है तो कभी इस घर पे डाका पड़ जाता है। भगवती जी, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप ना पूजा पाठ करवा ही लीजिए। अब देखिए पुश्तैनी जेवरात चोरी हो गए, कैसे हो गया भगवान? मुझे पता है चोरी किसने की। कल रात शायद चोरों ने सबको बेहोश कर दिया था। लेकिन चोर ये भूल गए कि मैं आनंदिता जी के कमरे में सो रहा था। क्या मुझे देख के क्यों बात कर रहे हो? अरे मैं चोरी चोर हूं। अगर खुद इतना होश में थे तो चोर को पकड़ा क्यों नहीं? मुझे किसी ने हथकड़ी लगा दी थी। वैसे अच्छा बहाना है किसी को बचाने का। पिछली बार भी गहने इन्हीं के कमरे से चोरी हुए थे विक्रम जी। पापा हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, चोरी किसने की है और कैसे की है इस बात को तो मैं बहुत जल्दी प्रूफ करूंगा, क्योंकि कल रात जो हुआ सब याद है मुझे। विक्रम, कल रात हर किसी ने भांग पी थी, हर कोई नशे में था, इसलिए किसी की भी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। देखिए, भांग के नशे में इंसान अक्सर हेलुसिनेट करने लगता है, जो बात हुई नहीं या देखी नहीं वो भी देखता है। इसलिए जब तक ठोस सबूत न हो कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगा। यानी पापा तो अब हमारी बात का विश्वास करेंगे ही नहीं। हमारे पास कल की बात का कोई सबूत भी नहीं है। हे भगवान, कल हमने सब रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लिया? गलती हो गई हमसे, अब कैसे यकीन दिलवाएंगे हम? पापा तो अब हमारी बात का भी विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि सबने कल भांग पी दी। बॉबी का इतना बड़ा सच हमें पता है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। बार्बी दीदी, आप यहाँ आओ। आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बार्बी दीदी। बार्बी दीदी जल्दी चलिए ना, जल्दी चलिए बार्बी दीदी, हमारे पास एक मिनट बचा हुआ है। काश हमने वो रिकॉर्ड कर लिया होता। ओहो, आप तो हमारी बात भी नहीं सुन पा रही है। बार्बी दीदी प्लीज जल्दी चलिए ना, गोपाल ने बोला है हमें बॉबी के कमरे के बाहर जाना होगा, हमारे पास टाइम कम हो रहा है। बार्बी दीदी प्लीज, मैं तो कुछ कर पाएगा क्या करें? हे भगवान, आप ही आइडिया दो अब कुछ। पापा के हाथ से मोबाइल का कैमरा ऑन रह गया होगा। थैंक गॉड इसमें सब रिकॉर्डेड है। बार्बी दीदी जल्दी करिए ना, गोपाल ने बोला है बॉबी के रूम में पहुंचना है, नहीं तो फिर से कोई गलती कर देंगे। बार्बी दीदी जल्दी चलिए ना। ये क्या हो रहा है? ये मोबाइल बार बार हवा में कैसे उड़ रहा है? हाँ जरूर ये भूतू का काम होगा। भूतू प्लीज वो दे दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ना प्लीज।
रुको, रुक जा भूतू, रुको रुको भूतू। अच्छा हुआ जो कल रात बारबी ने सब कुछ सुन लिया। अब वो जाके अपने बाप हुकमचंद को बताएगी, फिर वो तुम्हारे पास आएगा और ये शादी का रिश्ता तोड़ देगा। तुम थोड़ा सा रो देना, माफी मांग लेना और फिर तुम और मैं चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। किसी को शक भी नहीं होगा कि गहने तुमने और हमने चुराए हैं। वाह दीदी, ये तो वही बात हुई, एक तीर से दो निशान। इसका मतलब बारबी अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाएगी। हाँ, और फिर यहाँ से रफू चक्कर होने के बाद एक नई लड़की और एक नया घर लुटेंगे। अरे नजर ना लग जाए मेरे इतने हैंडसम से भाई को। जी, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए निकलोगे बॉबी। भूतू, भूतू थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हें पता है यहाँ तक सिर्फ तुम हमें लेकर आई हो। इतना बड़ा सच सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है हमारे सामने। अब ये सच हम पापा के सामने नहीं लाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि उसे घर से जाने का मौका ही ना मिले। सबके सामने ये सच आएगा लेकिन खुद ब खुद। थैंक यू बुटू, थैंक यू। मिनी बाबी दीदी, ये हमने नहीं किया है, ये हमारे टीम के फोर्थ मेंबर ने किया है, बड़े गोपाल ने। गोपाल को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू गोपाल। अब हम भी उल्टा गेम खेलेंगे। उल्टा गेम माने? तुम हमसे कुछ बोलना चाहती थी ना बेटा? हाँ बोलो। बोलो भाभी। क्या बात है बेटा, बोलो। पापा, आपको याद है आपने हमसे कहा था कि अगर आपको बॉबी पसंद आ गया तो शादी से पहले आप उसे हमारा कानपुर वाला फार्म हाउस गिफ्ट करेंगे? हाँ। तो प्लीज, हमारी इच्छा है कि आप उसे ये फार्म हाउस कल के कल ही दे दीजिए। बेटा, देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक है, बस ये सरप्राइज हम उसे कल के कल ही देना चाहते हैं। वैसे भी हमारी शादी को बहुत धीरे धीरे करके डिले कर दिया है, अब और नहीं। ठीक है बेटा, हम कल के कल अपने मैनेजर को बुला के सारे पेपर्स बनवा लेंगे। चलिए ये तो अच्छा है। वैसे हम कल माता की चौकी भी रखवा रहे हैं, कल का दिन बहुत अच्छा है जी। हाँ। पर पापा, एक रिक्वेस्ट थी, अभी फिलहाल आप बॉबी या मोहिनी जी किसी को भी ये मत बताइएगा कि हमारे कहने पर आप ये सब कर रहे हैं। अभी उन्हें लगना चाहिए कि ये सब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में कितना सोचती हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। खुश रहो बेटा। चलो आखिरकार अब हमारी बेटी के भी हाथ पीले हो जाएंगे। वाह बॉबी, हम तो यहाँ फूल लूटने आए थे, हमें क्या पता कि हमें पूरा बगीचा ही मिल जाएगा। सच में दीदी, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि हम गहने लेके भागे नहीं। हमें क्या पता था बुड्ढा फार्म हाउस हमारे नाम कर देगा। बॉबी, हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। खाना तो फ्रिज में नहीं रहेगा, देखना हम तुम दोनों को क्या बजा चुकाते हैं। तू पाल लाए पोड़े छो, इधर देख दे क्या करते हैं तुम लोग के साथ। बॉबी, तो फिर ना तुम कल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक हुकमचंद तुम्हारे नाम पे फार्म हाउस ना कर दे हम यहाँ से नहीं भागेंगे। पर दीदी, इतने सारे जेवर, इतने सारे लोग होंगे वहाँ पे,
ये जेवर किसी के हाथ लग गए तो? मेरे भाई तुम जेवर की चिंता बिल्कुल मत करो। सिंपल। मम्मी सब सुन जाए, अब हम मजा चखाएंगे। मम्मा बोल दीजिए, बोल दीजिए। गहने छिपाने के लिए कपड़ा बनवाने जा रही हो? वैसे तुम्हें वो फार्म हाउस मिल गया क्या? मोहिनी, तुम क्या क्या सोचती हो ना, वो सब हमें पता है। वैसे देखो कल क्या होता है, देखो देखो। उदू होने के बहुत फायदे हैं। अब हम उस चोर को पकड़ेंगे नहीं, उससे मजा चखाएंगे। बस देखते जाओ। क्या हुआ दीदी, कपड़ा मिला क्या? इतनी देर क्यों लगा दी, सब ठीक है? क्या? अरे बात कीजिए हमसे ना, आपने पान मसाला खाना शुरू कर दिया क्या? वो आनंदिता हमारी सारी बातें सुन सकती है, पता नहीं कैसे, पर उस पागल को वर्ड टू वर्ड पता है कि धीरे बोल, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। सूरज ठीक, एक घंटे में हमें हमारी दवाई दे जाना। टाइम से दवाई नहीं खाते है ना तो पीयूआ में डांटती है। ये पागल दिन पर दिन सही दवाई की वजह से ठीक हो रही है, अब उसी दवाई की वजह ही उसकी। गोपाल, अगर बाबी जी हम देख पाती तो कितना अच्छा होता ना, हम उनसे कितना बात करते और हमारी टीम कितनी स्ट्रांग हो जाती। वो छबी छबी और वो मोहिनी पूरी तो ऐसे पकड़े जाते। और गोपाल, बाबू जी ने मैं पहले सुन पा रही थी, फिर पता नहीं बाबू जी ने मैं सुनना क्यों बंद कर दिया। अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि जिस लड़के के साथ हमने इतना प्यार किया, इतना चाहा, वो आज हमें। आनंदिता दी, अगर आप और आपकी बेटी नहीं होते ना तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए नरक हो जाती। आपकी और उसकी हेल्प की वजह से आज हम ये कर पा रहे हैं। अब बस कल की वेट कर रहे हैं। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है ना, उसका बदला अब हम लेकर रहेंगे। जो भी उसने हमारे साथ किया वो हम किसी और लड़की के साथ नहीं होने देंगे। और हमें यकीन है कि जब तक आप और आपकी बेटी हमारे साथ है, ये मुमकिन है। अनंता दी, हमें आपसे पूछना है कि आपकी बेटी को क्या हुआ? अनंता दी, आपको क्या हो रहा है? लेकिन हुआ क्या, बताइए ना। दूर हटो।